एक शब्द आपने सुना होगा, खासतौर से जो कबीरपंथी लोग हैं उनमें बहुत सारे लोग मौथेरा हैं। मौथेरा, मौथेरा कई बार ऐसा आभास देता है कि जैसे ये कहता है ये तो बड़ा मौथेरा है। पुराने जो लोग हैं वो किसी बहुत ज़्यादा बच्चा बड़ा चंचल हो, बहुत ज़्यादा वाक्चतु हो, बहुत ज़्यादा बातचीत करता हो, दिमाग से तेज हो, या किसी की ना सुनता हो, बहुत सारी बातें काटता हो अपने तर्क से, तो उसको कहते हैं ये तो बड़ा मौथेरा है। तो मौथेरा जो आता है वो एक पॉजिटिविटी में आता है, यानी कि बहुत तेज सरार और बहुत ज्ञानी जो लोग होते थे उनको मौथेरा बोलते थे। और मौथेरा आज भी लोग हैं जो कबीरपंथियों में खासतौर से पाए जाते हैं। कई बार वो माथुर या ऐसा करके भी लिख लेते हैं अपने नाम के आगे, मौथेरा की जगह माथुर कर लेते हैं। जो लोग लिखते हैं, जो लोग जानते हैं वो इसको समझते हैं। आपने अगर पाली पढ़ी हो या पाली देखें ध्यान से, तो एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं मथ। मथ माने होता है कि जैसे आटे में आपने पानी डाल दिया और उसको आपने मिलाया, तो उसको कहते हैं मथना या मिक्स करना या उसे मिलाना, ये मथना हो गया। और पाली में कहते हैं मथती, यानी कि मथता है। अगर उसको मथता है यानी मिक्स करता है तो उसको बोलते हैं मथती। और मथक बोलते हैं जो मस्तक होता है, यानी कि जो फोरहेड होता है, जैसे मेरा ये फोरहेड है, इसको बोलते हैं मथक या मस्तक। एक शब्द और आता है जिसको बोलते हैं मथलूं। मथलूं, लू के बाद में आधा ने लगता है, आधा डे लगता है बेसिकली, तो मथलू। मथलू का मतलब है दिमाग या ब्रेन। ये शब्द क्योंकि बोलने में बड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए इसको बोलने में बहुत कम बोला जाता है, ये लगभग लुप्त सा हो चुका है, मथलूं। मगर जो मौथेरा शब्द है वो लुप्त नहीं हुआ। वो लुप्त इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप मथ क्या रहे हो, बेसिकली आप मथ रहे हो मथक को। मथक का मतलब है अपने मस्तिष्क को मथ रहे हो, मथलू को मथ रहे हो, मथलू का मतलब है दिमाग को मथ रहे हो। और जो जहां आप मथ रहे हो उस जगह को मौथेरा बोलते हैं, या वहां के लोगों को मौथेरा बोलते हैं, उस जगह को मथुरा बोलते हैं। ये लगभग सारे शब्द जा चुके हैं, एक माथुर, एक मौथेरा और एक मथुरा, ये तीन शब्द बचे हुए हैं, और एक मथ बोलते हैं। मथ का बन गया मथु। पुराने समय में ये मथु होता था जो मथ बन गया, यानी कि आपने दही को मथा और दही मथने के बाद जब उसका पानी निकाल दिया और उसमें से लोनी बाहर निकाल दी, तो जो लोनी बची और जो मट्ठा बची उसको बोला आपने मथु, यानी वेस्ट फेंक दिया आपने, और जो सार रह गया उसका मथु बोलते हैं। ऐसे पुराने समय में जो लोग पढ़ने आते थे मथुरा के अंदर, मथुरा यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ जितने भी यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ते थे वो आपस में एक दूसरे को मथते थे अपने मथक से, यानी कि मस्तिष्क से, और मथलू से, यानी कि दिमाग को मथते थे, और दिमाग में से जो बेकार की चीज़ हैं, जो राग द्वेष हैं, उनको निकाल देते थे, और जो अच्छी चीज़ बचती थी उसको मथु बोलते थे। इन मथुओं को बाद में मौथेरा बोला गया और मथुरा नाम वहाँ से पड़ा हुआ है। ये मथुरा के अंदर एक नेशनल म्यूजियम है, एक राष्ट्रीय संग्रहालय है। अगर आप उस राष्ट्रीय संग्रहालय में जाएंगे तो आप वहाँ पाएंगे कि वहाँ बुद्ध की यूनिवर्सिटी के समय की, जो बुद्ध के बाद यूनिवर्सिटी बनी, जो वहाँ महाथेराओं ने बनाई, वो यूनिवर्सिटी में बहुत सारी बुद्ध की स्टैचू वहाँ रखी हुई हैं। आज भी मथुरा में अगर कहीं कोई जगह खोदते हैं तो वहाँ पर बुद्ध की स्टैचू निकलती हैं। बताते हैं जो चीनी यात्री आए थे उनके वर्णन है कि वहाँ पे बौद्धों की बहुत सारे छोटे मोटे स्कूल और यूनिवर्सिटियाँ थीं। बाद में लोगों ने, चूँकि वहाँ पत्थर मिलता है तो पत्थर पे कला पे करके भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ भी बना ली, क्योंकि मूर्ति का प्रचलन भगवान बुद्ध ने तो स्टार्ट किया नहीं, आरंभ किया नहीं, उसके बाद में उनके अनुयायियों ने, और जो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार में पड़ गए, उनकी बातों को भूल के उनकी भक्ति करने लगे, उन्होंने वो मूर्तियाँ वहाँ बनाई हैं। मगर वो मूर्तियाँ बहुत सारी संग्रहालय में रखी हुई हैं। मैं आपको यहाँ संग्रहालय के कुछ फोटो दिखा रहा हूँ, वो आप दे देखिए, और कभी जाएं तो संग्रहालय को जरूर देखिए, क्योंकि मथुरा पूरा का पूरा क्षेत्र भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे बड़ा केंद्र दिल्ली के आसपास में रहा है, क्योंकि वो यमुना के किनारे है और यमुना के पास में बसा हुआ है। वहाँ भिक्खु और शिक्षा, खाना पानी बहुत अच्छा मिलता था, इसलिए वहाँ सेंटर बहुत बड़े बड़े बन गए और वहाँ चले भी बहुत, इसलिए लोग भोले नहीं। और महाथेरा और जो लोग होते हैं वो मथुरा से भी संबंधित हो सकते हैं, मगर महाथेरा एक अलग है। मगर वहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है पाली खेरा। पाली खेरा एक गांव आज भी है। पाली खेरा दो चीज़ों से मिलकर बना है, पाली लैंग्वेज यानी पाली भाषा से, और खेरा का मतलब होता है थेरा, यानी थेराओं की पाली भाषा, इसका मतलब पाली थेरा हो गया। एक वहाँ काली माता का मंदिर भी है, काली देवी का। काली देवी जो बोली जाती है, काली देवी अगर कहीं भी है या काला देवता अगर कहीं भी है, तो वो 100% वो भिक्कू या भिक्कुनी, थेरा थेरी, महाथेरा या महाथेरी, या उपासक या उपासिका का
वो स्थान रहा है जहाँ उसने जीवन भर पढ़ाया है और लोगों ने उसकी स्मृति में कोई स्तूप बना दिया है, जो लिंग जैसे आकार का भी हो सकता है, एक स्तूप बना दिया है और वो काली माता के नाम से या चंडी माता के नाम से या चंडाल के नाम से जाना जाता है या पहचाना जाता है। ये असुर, दस्यु, ये सारे शब्द मैंने आपको बताए हैं। आप टीम 22 की वीडियोस को देखते रहेंगे तो आपको सारे जो जितने भी शब्द हैं उनके अर्थ लगातार मिलते रहेंगे। मथुरा का बहुत अच्छा है, मथुरा आप जाइए, वहाँ जाके देखिए कि कैसे किस समय यूनिवर्सिटियाँ चलती थी और कौन कौन से अवशेष वहाँ भी रखे हुए हैं। मथुरा आज भी उतना ही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मोथेरा, मथुरा, मथु, महाथेरा, थेरा में कोई अंतर महसूस नहीं होगा। धन्यवाद।